तीन कदम में तीनों लोग नाप दिए। प्रभु बोले धागा खत्म हुआ, अब थोड़ी से सयार दे दे, थोड़ी से और दे दे, ले चुका दान के तीन कदम बस आधा कदम यार दे दे। उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश नाप डाले और तीन ही कदम की पृथ्वी में झट तीनों लोग। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे, ले चुका दान के तीन कदम बस आधा कदम। तो राज हेलो राजा बलि की पत्नी थी विंध्यावती, बहुत चालाक थी वो। भगवान क्रोध में है तो जवाब दियो। राजा बलि की पत्नी ने महाराज एक बात बताइए, आधे कदम की जगह नहीं है तो हमारे सवाल का जवाब दे दो। क्या सवाल है? बोले ये बताइए, दान बड़ा होता है या दानी? दान बड़ा होता है या दानी? तो भगवान बोले कि हे देवी, रुपया पैसा धन दुनिया में हर किसी के पास है। बहुत लोग ऐसे हैं जो धनवान हैं, लेकिन दिल जो है, मन जो है, आत्मा जो है, वो इतनी हर किसी के पास नहीं है जो उसे दान कर सके। तो दान से भी बड़ा दानी होता है। बोले महाराज, अब दान तो आप ले चुके हो, दानी दानी बचे इनकी पीठ ना पले। भगवान ने पीठ पे पैर रखा, एक पैर सर पे पहुंचा, राजा बलि खड़े हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए, जवाब दिया, धन्य है राजा, तू हमसे कुछ मांग ले। अरे इतनी जल्दी? अबे हमारे दरवाजे पे खड़े हमसे कह रहे कछु दे दो, अब हम तो कह रहे कछु मांग ले, तो सुनो, मंगन ते हम मांगत नहीं, हमारी आदत ना है भिखारी अंत मांगने की। भगवान बोले नहीं, मेरी इच्छा है, आप मांग लो। ठीक है, तो आप मुझे देना चाहते हैं तो बस जो पातालपुरी में मेरा महल है, आप उस महल का पहरा लगाओगे। भगवान बोले अच्छा। बोले हाँ, और एक बात और, जिस द्वार से हम होकर के निकले आप उसी द्वार पे हमें खड़े मिलो। हैं भगवान बोले, इतना कड़ा पैरा, अब कुछ भी करो। अच्छा, राजा बलि की एक बिटिया और थी जिसका नाम था रतनमाला। उसने जब भगवान का स्वरूप देखा, इतने छोटे से, बड़े प्यारे से, तो विचार किया कि अगर ऐसा बेटा मेरे पैदा हो जाए तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। लेकिन जैसे ही भगवान ने तीन कदम में तीनों लोग नापे, विराट स्वरूप रखा है, तो विचार किया कि अगर ऐसा बेटा मेरे पैदा हो गया तो मैं उसे जहर देके मार दूंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई। पूतना बोलिए गोविंद भगवान की। अब महाराज एक दो महीना है गए, भगवान वहां पहरा लगा रहे। स्वयं प्रभु कहते हैं कि भक्तन ने मोको नाना भांति नचाया। जब नहीं पहुंचे तो बाबा नारद पहुंचे मैया के पास में। लक्ष्मी से कहा, मां उदास हो? बोले हाँ।
क्यों? बोले क्या बताऊं, काफी दिन है गए प्रभु ना आए वापस क्षीर सागर में। जवाब दिया, मैया अब तू चिंता मत कर। काहे गो? बोले अब तो प्रभु की नौकरी लग गई। अच्छा कहाँ लगी है? बोले ऐसी वैसी नौकरी ना है, बहुत बढ़िया नौकरी है। तनख्वाह कितनी है? बोले एक चबन्नी ना है, एक रुपयू मिलने वालो ना, छुट्टी है महीना पे। बोले नहीं। अच्छा तो रिटायर कब हो? बोले कब ना, फंडंड कछु मिली है? बोले नहीं। बोले जब कछु ना है तो रोज नौकरी में, तो नौकरी काई गई? हाँ बाबा नारद बोले उन्हें भक्तन को सतावे बड़ो आनंद आवे। अब जा देखो जाए, अब पता चलेगा। तो मैया बोली लेरा नारद,